कठुआ पुलिस की एक बड़ी नाकामी जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा है और जगह जगह पुलिस की जो है वो नाके जो है उन्होंने लगा रखे हैं, उसके बाद भी जो है एक बड़ी नाकामी निकल कर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं जीएमसी कठुआ के बाहर और यहाँ पर जो है भारी पुलिस का अमला जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कुछ समय पहले अगर बात करेंगे 10:30 बजे के करीब की, तो यहाँ पर जो है गैंगस्टर और कठुआ पुलिस के बीच जो है एक मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें कि पूरी खबर जो है वो आपको बता दें कि गैंगस्टर की अगर बात करें तो बताया जा रहा है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है, यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर आए थे और उनकी जो है कठुआ पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में जो है एक गैंगस्टर भी जो है वो मारा गया है, हालांकि उसकी पहचान जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। और अगर पुलिस की बात करें तो एक PSI दीपक शर्मा की अगर बात करूं तो वो जो है इस पूरी मुठभेड़ में जो है वो घायल हुए हैं और उनको जो है उपचार के लिए यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर बात करेंगे जिला पुलिस प्रमुख की, मीडिया के लोगों ने उनसे जानना चाहा कि क्या वाकया यहाँ पर हुआ है और क्या आप जो है पूरी डिटेलिंग हमें दे दें, तो उसके बाद जो है वो अपनी सारी भड़ास जो है वो मीडिया के ऊपर जो निकालते नजर आए हैं। क्यों कि हालांकि नरमी के साथ भी जो है बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरह का रवैया जिला पुलिस प्रमुख का, हालांकि यहाँ पर ये GMC कठुआ है, यहाँ पर पेशेंट्स भी हैं और अटेंडेंट जो लोग पेशेंट के साथ आए रहते हैं वो भी यहाँ पर हैं, हालांकि उनको भी जो है नुकसान हो सकता था। इतनी बड़ी नाकामी जो है कठुआ पुलिस की देखने को मिली है कि सरेआम जो है गोलियां चल रही हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है और यहाँ से ही अगर बात करूँ आधे किलोमीटर के दायरे में जो है वो DC कार्यालय है और उसके बाद ही इस तरह से जो मुठभेड़ यहाँ पर पुलिस और उन लोगों के बीच हुई है, ये एक सवालिया निशान खड़ा करती है। और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच जहाँ की इतनी सख्त जो है वो नाकाबंदी की गई है, जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, उसके चलते जो है इस तरह की जब वारदातें सामने देखने को मिलती है तो हालांकि एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा करती है। और DGP साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक हम दरख्वास्त लगाएंगे कि एक फटकार जो है वो कठुआ पुलिस को ज़रूर लगाई जाए कि इस तरह के वारदातें जो है वो देखने को मिल रही हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच, तो किस तरह से कार्रवाई जो है वो कठुआ पुलिस कर रही है। और जब उनसे पूछा जाता है कि सर क्या मामला हुआ है, तो अपनी भड़ास जो है वो मीडिया के सामने ही जो है उनके ऊपर निकालते जो है वो नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और DGP साहब से एक दरख्वास्त है कि कठुआ पुलिस पर जो है वो जमकर एक्शन लिया जाए। Thank you.
Mm-hmm.